गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम लोग इंटीग्रेशन का दूसरा लेक्चर दे रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे कम 20 से 22 नंबर का क्वेश्चन पूछता है इंटीग्रेशन से आपका 12th में। आप लोग सारे वीडियो को अच्छे से देखिए, जब तक आप नहीं देखेगा हिसाब नहीं बनेगा। तो आज हम लोग इंटीग्रेशन का जो फार्मूला, जो पहला पार्ट हमने बताया था बाबू 14 से लेके आपका 20 वो फार्मूला, उसी से संबंधित आपका कुछ अलजेब्रिक टाइप का क्वेश्चन, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन, इसी तरह से हम आपको दे रहे हैं। तो आज हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसी पर आधारित आपको प्रश्न देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन, वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो देखो छोटे, इस वन का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर अपॉन ए, अलग अलग कर रहे हैं, फिर कॉस स्क्वायर अपॉन ए, वन अपॉन कॉस स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है, वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट एक्स, कॉस सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स सी, यही आंसर आ रहा है। इसका यदि हम सॉल्यूशन करें, फिर इसमें बंटवारा करें, साइन क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर, साइन से साइन एक कैसे साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को लिखेंगे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉस कॉस कैंसिल, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन अपॉन कॉस टैन एक्स, वन अपॉन कॉस एक्स सेक एक्स, cos upon sin x cot x, bar upon sin x cos x, tan x into sec x का इंटीग्रेशन sec x होता है सर, cos x into cot x का इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस c। देखिए अगला हिसाब, इसको करते हैं, वन माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, तो पहले वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, वन बटे कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स, एक साइन एक कॉस मिल के टाइ और एक कॉस में बचा तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टैन एक्स और सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस। हाँ देखिएगा छोटे बाबू, इस क्वेश्चन को देखिए अंश और हर इस टाइप का लेटिंग में देगा, तो आदि आपका हर का जो एलिमेंट होगा वो कम रहे और ऊपर में भी ज्यादा रहता है, तो उस परिस्थिति में हम लोग अलग अलग करके बनाते हैं, यानी एक्स क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, फाइव एक्स स्क्वायर अपॉन
नाम से उसको, चार एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर से तो कैंसिल हो गया तो ए को बचा फाइव डी एक्स, ए को एक्स कैंसिल तो वन बटा एक्स और एक्स पर पावर टू ऊपर जाएगा तो माइनस टू इंटू थ्री। अब एक्स पर पावर वन जितना पावर आता है छोटे बाबू उसमें वो पावर छूट जाता है, तो x स्क्वायर अपॉन टू प्लस फाइव dx का इंटीग्रेशन x होता है। dx का इंटीग्रेशन कितना होता है बाबू x, dx का इंटीग्रेशन कितना होता है x, वन अपॉन x का इंटीग्रेशन log, वन अपॉन x का इंटीग्रेशन log और x पर पावर माइनस टू का इंटीग्रेशन माइनस टू प्लस वन माइनस टू प्लस वन प्लस सी, यही आपका आंसर हो गया छोटे बाबू। अभी इसको बनाओगे तो ध्यान से देखिएगा, यहां से x स्क्वायर कॉमन ले तो x माइनस वन प्लस वन इंटू एक्स माइनस x माइनस वन कॉमन हो जाए x स्क्वायर प्लस वन, कोई पूछेगा छोटे x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा तो जितना पावर आता उसमें वो पावर जुटेगा, तो ये वो जुटेगा तो तीन, जितना ऊपर उतना नीचे और वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी। अब इसका हिसाब हम लोग बनाएंगे तो ध्यान से देखिएगा छोटे बाबू, आपका ए प्लस बी का होल क्यू होगा, ए प्लस बी का होल क्यू, एक्स स्क्वायर का होल क्यू एक्स पर पावर सिक्स, वन बटा एक्स स्क्वायर का होल क्यू वन अपॉन एक्स पर पावर सिक्स प्लस थ्री ए स्क्वायर इंटू बी, तो एक्स पर पावर फोर एक्स स्क्वायर कट गया तो एक्स स्क्वायर बच गया प्लस थ्री ए इंटू बी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर बच गया। अब बाबू एक्स पर पावर सिक्स इंटू बी वन अपॉन एक्स पर पावर सिक्स इंटू बी, थ्री कॉन्स्टेंट था इसलिए बाहर एक्स स्क्वायर ऊपर गया, एक्स पर पावर सिक्स है जितना पावर रहता उसमें वो पावर जुट जाता है, तो ध्यान से देखिएगा सात अपॉन सात एक्स पर पावर सिक्स का, ध्यान से देखिएगा सात अपॉन सात एक्स पर पावर सिक्स ऊपर जाएगा तो माइनस सिक्स अपॉन वन माइनस सिक्स अपॉन वन थ्री एक्स क्यू अपॉन थ्री, थ्री एक्स पर पावर माइनस टू प्लस वन प्लस सी। ए प्लस बी का होल क्यू लगाए छोटे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, हाँ छोटे इस हिसाब को हम कैसे तोड़ेंगे तो इसको हम ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में ला देंगे। देखिएगा बाबू एक्स पर पावर सिक्स को लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल क्यू प्लस वन का क्यू, बाबू ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ध्यान से देखो बाबू,
आपका AQ प्लस BQ का फॉर्मूला A प्लस बी इंटू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल एक्स पर पावर फोर माइनस ए बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स पर पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन बराबर एक्स पर पावर फोर इंटू डी एक्स एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स एक्स पर पावर फोर का इंटीग्रेशन जितना पावर रहता उसमें वो पावर जुट जाता यहाँ चार है वो पावर जुटेगा एक्स पर पावर फाइव अपॉन फाइव यहाँ स्क्वायर है वो पावर जुटेगा एक्स क्यू अपॉन थ्री वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी अभी इसका देखा जाए बाबू तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला के फॉर्म में या ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो इसको एक बात और है इसमें आप एक घटा दीजिए और एक जोड़ दीजिए अपने से एक घटाया और एक जोड़ा और पहले से बन है आप अलग अलग कर दें अब एक्स पर पावर फोर माइनस वन का फॉर्मूला हो जाता है छोटे एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन दू बाहर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एगो पावर जुटेगा तो एक्स क्यू अपॉन थ्री वन का इंटीग्रेशन एक्स वन बटे वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन टू टाइम इनवर्स एक्स प्लस सी टू टाइम इनवर्स एक्स प्लस सी इसका फॉर्मूला ए क्यू बी क्यू के फॉर्म में दीजिएगा तो एक्स स्क्वायर का होल क्यू माइनस वन का होल क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन एक क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर यानी एक्स पर पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स पर पावर फोर एक्स स्क्वायर एक्स पर पावर फोर का इंटीग्रेशन एक्स पर पावर फाइव अपॉन फाइव एक्स क्यू अपॉन थ्री और वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी इसका फॉर्मूला होता है छोटे एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स इसका फॉर्मूला होता है एक कैंसिल हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यू अपॉन थ्री एक्स प्लस सी इसमें भी आपका वही होगा सर एक जोड़ दो और एक घटा दो पहले से एक मौजूद है हमेशा इसमें जोड़ घटाव करते हैं नीचे के जैसा ऊपर में बनाने का प्रयास किए इसलिए इसमें एक जोड़ा है नीचे के जैसा ऊपर बनाया आप क्या लिखेंगे एक्स प्लस वन माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन आप अलग अलग कर देंगे एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स एक कैंसिल हो गया डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स वन बट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस वन प्लस सी
dx का इंटीग्रेशन x माइनस टू लॉग x प्लस वन प्लस सी। तो इस टाइप के हिसाब आप बना सकते। बाकी आप ऐसा इसको ट्रांसफॉर्मेशन करिए बाबू, ऐसा रूपांतरण करिए। इसमें पूरा ट्रिगो का फॉर्मूला का आपको कंठस्थ होना चाहिए। जब तक आप लोग का क्या है मेरे ख्याल फॉर्मूला आपको याद नहीं रहता। जब हिसाब बनाते हो तो फॉर्मूला देख देख के बनाते हो, तो याद होगा कहाँ से? जब याद नहीं होगा तो तुम फॉर्मूला चल नहीं पाते। हम कह रहे हैं बार बार ट्रिगो का फॉर्मूला तुमको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर हम साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर। देखिए ऐसे चले, अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए टू ए माइनस बी। देखो ध्यान से, ए ए प्लस वन का इंटीग्रेशन एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस वन का इंटीग्रेशन एक्स, लेकिन कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस। इसको अधिक बनाओगे तो परिमेयकरण करो, cosec x square x minus cot square x, cosec square x minus cot square x के फॉर्मूला होता है वन, cosec x into cot x। इतना का फॉर्मूला वन, cot गुने cot square x, cosec x into cot x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x, cot square x का इंटीग्रेशन है होता है बाबू, तो cosec square x माइनस वन। cot square का फॉर्मूला हुआ माइनस cosec x, cosec square x का इंटीग्रेशन माइनस cot x माइनस x प्लस c, cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस cot x, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस cot x माइनस वन का इंटीग्रेशन माइनस x प्लस c। इसको भी रेशनलाइज करें ऊपर हो गया वन प्लस साइन, वन को वन से गुणा किया वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स मतलब कॉस स्क्वायर एक्स। आप अलग अलग करेंगे वन बटे कॉस स्क्वायर sec स्क्वायर, वन बटे कॉस स्क्वायर sec स्क्वायर, साइन बटे कॉस tan, वन बटे कॉस sec। ऐसा टर्म मिला हो जिसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, sec x into tan x का इंटीग्रेशन sec x प्लस। इसका साइन 2x का फॉर्मूला लिख दो, 2 साइन x इंटू कॉस x,
टू साइन स्क्वायर कॉस बटा साइन कॉस बटा साइन कॉस कॉस बटा साइन कॉट एक्स कॉट एक्स को लिख दो बाबू टाइन 90 माइनस एक्स क्योंकि बाबू टाइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉ डाइवर्स टाइम का फॉर्मूला लग गया पाई बाई टू माइनस एक्स पाई बाई टू बाहर इंटू पाई बाई टू बाहर डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स एक्स पर पावर वन का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी देखिए इसको कैसे करें यहां एफ डैश एक्स है तो डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग कर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड जैसे इसका इंटीग्रेट करेगा बाबू तो डैश और इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा तो खाली एफ ऑफ एक्स बचेगा और थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स थ्री कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर हो गया एक्स पर पावर थ्री ऊपर जाएगा तो माइनस एगो पावर छूट गया तीन 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 दो दो क्या हो गया कैंसिल एक्स पर पावर माइनस टू को हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी समीकरण एक आप कहता बाबू एक्स के स्थान पर कितना रख देंगे वन एफ ऑफ वन का वैल्यू जीरो सी बराबर कितना माइनस टू अब यहां सी का मान रख देंगे और यही आपका आंसर हाँ जितना आपको हम आज हिसाब बताए बाबू और जो कल बताए थे उस पर आधारित हम आपको होमवर्क दे रहे हैं आप लोग घर में बनाइए ठीक है बाबू पहला क्वेश्चन एक्स क्यूब फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर प्लस सेवन अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स टू अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स दूसरा क्वेश्चन एक्स क्यूब फाइव एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स वन माइनस एक्स इंटू रूट एक्स इंटू डी एक्स
वन प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स। एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू अपॉन रूट एक्स इंटू डी एक्स। थ्री एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स। सेक एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन एक्स कॉसेक एक्स अपॉन कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। टैन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टैन एक्स। कॉसेक अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। वन माइनस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। अगला हिस्सा है टैन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स कॉस टू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। साइन प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स बनाइएगा जरूर घर में। एफ डैश एक्स बराबर हाफ एक्स क्यू माइनस टू एक्स। एफ टू बराबर हाफ फाइव एफ हाफ एक्स। एफ डैश एक्स बराबर एक्स माइनस वन बटा एक्स and f of 1 बराबर 5 f of x। इतना ही आज होमवर्क दिए बाबूजी, आप इसको घर में जरूर बनाइएगा। आज इंटीग्रेशन का भाग 2 था,
अब इंटीग्रेशन का पार्ट बाय पार्ट वैल्यू, ये जनरल फार्मूला पर आधारित क्वेश्चन था। अब कल से जो बताएंगे वो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें इंटीग्रेशन हम लोग कैसे कैसे तोड़ते हैं। ठीक छोटे बाबू, आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करिए और जरूर दोस्तों को बताइए, और इस साल जो भी त्रुटि आता है वो आप जरूर हमसे पूछिए। ठीक है छोटे बाबू, थैंक यू।